पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अगर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलता रहा तो आने वाले 30 सालों में शहर की सूरत बदली बदली नजर आएगी। पीली कोठी के पास वाहनों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी। सेहत सुधार अथवा लोगों के निरोग रहने के लिए चंदोसी रोड पर 30 एकड़ क्षेत्र में आयुष पार्क बनेगा। कांठ रोड पर 5 एकड़ भूमि में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनेगा, जबकि खाने पीने के शौकीनों का जमघट रामपुर रोड पर देखने को मिलेगा। लक्ष्मीपुर कट्टाई में मेगा फूड पार्क का निर्माण होगा। करीब 23,242 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस तरह के 87 प्रोजेक्ट शामिल होंगे। वर्ष 2051 तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एमडीए के निर्देशक में सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। ट्रैक्टेबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये प्लान तैयार किया गया है। एमडीए उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने दावा किया है कि संबंधित कंपनी ने इसे तैयार करने से पहले शहर का पूर्ण अध्ययन किया है। सर्वे कराने के साथ डाटा कलेक्शन किया गया, जिसके आधार पर शहर की परिवहन, यातायात, औद्योगिक क्रियाओं की अध्ययन स्थिति, शहर की इंटर और इंस्ट्रा सिटी कनेक्टिविटी, नई आर्थिक क्रियाएं, नया विकास क्षेत्रों की जानकारियां एकत्र की गई हैं। 3 चरणों में शहर के विकास का खाका तैयार किया गया है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो इस संबंध में रखी गई। हम लोगों ने मुरादाबाद शहर उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है 2051 में मुरादाबाद किस प्रकार से दिखाई पड़ना चाहिए। इसमें समस्त स्टेक होल्डर्स के साथ पूर्व में बैठक करके इसमें इनपुट्स लिए गए थे। तो हमारे यहाँ से जो कंसल्टिंग एजेंसी है ट्रैक्टेबल इंजीनियर्स करके, उनके द्वारा जो है समस्त स्टेक होल्डर्स से बैठ करके फील्ड में जा करके सभी से फीडबैक ले करके, और जो यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो आवश्यकताएँ हैं और यहाँ की जो संभावनाएँ हैं, उन सभी चीज़ों को आत्मसात करते हुए एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाया है। वो प्लान बनकर के लगभग तैयार है, उसको पब्लिश करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए उसको पब्लिश करने से पूर्व एक बार हम लोगों का ये आपके माध्यम से प्रयास है कि जनता के जितने भी लोग हैं, जितने भी इससे संबंधित स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सरकारी हों अथवा गैर सरकारी, उन सभी लोगों का एक अंतिम मत जो है, ये अंतिम सुझाव एक तरह से ले लिया जाए, जिससे कि जो है इसमें ये पूरी तरीके से जो सबकी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला। तो सिटी डेवलपमेंट प्लान के संबंध में हमने आज ये प्रेस वार्ता बनाई थी। क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया दिखेगा मुरादाबाद अगर बात करें समय किस तरह का? देखिए, इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि मुरादाबाद जो है एक औद्योगिक शहर के रूप में उभरे, जहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार हो, एक लिवेबल शहर के रूप में जहाँ पर रहना जो है लोगों के लिए काफ़ी सुखदायी हो, और एक अच्छी मॉडर्न सिटी के रूप में मुरादाबाद बनकर के निकले, जो अपने आप में पूर्ण रूप से एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आत्मनिर्भर है और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर उभरे, इसका हमारा प्रयास है। इसके लिए हमारी जो कंसल्टिंग एजेंसी है उसके द्वारा सभी स्टेक होल्डर से मिलकर के कुल 87 प्रोजेक्ट्स की संकल्पना की गई है, जिसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपये की लागत उनके द्वारा बताई गई है। इसमें हम लोगों ने इसको 3 फेजों में बांटा है। एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट हैं जो कि 2027 तक पूरे होने योग्य हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मीडियम टर्म के हैं जो कि 2038 तक पूरे होंगे, और कुछ जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं जो कि हमारे जो है 2051 तक हम लोग पूरे करने की स्थिति में होंगे। तो जिस प्रकार से शहर का विकास होगा उसी प्रकार से इन प्रोजेक्ट्स को हम लोग पूरा करेंगे। इसमें सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स होंगे, सरकारी संस्थाएँ भी होंगी, सरकारी विभाग होंगे, प्राधिकरण की अपने व्ययों से होंगे प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा नगर निगम है उसके व्ययों से होंगे, PPP मॉडल पर भी हम लोग इसमें हमने दी हैं चीज़ें, जो हमारे निजी इन्वेस्टर्स हैं, निजी निवेशक हैं, उनके माध्यम से भी, और सभी प्रकार की जो है कंसल्टिंग एजेंसी और जितने भी स्टेक होल्डर्स। देखिए, जो शहर से पास में अमरोहा जिले में गजरौला करके क्षेत्र है, वो एक उभरता हुआ औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र है। वो हमारी जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण है उसके विकास क्षेत्र बा के रूप में आइडेंटिफाइड है। इसमें हम लोगों ने पहले से ही जो है नियोजन का कार्य कर लिया है, और करीब 53,500 वर्ग किलोमीटर का हमारा प्लानिंग एरिया है। इसका मास्टर प्लान बना करके यहाँ से बोर्ड से पास होकर के 4 अप्रैल 2022 को शासन को संदर्भित किया जा चुका है। तो संभावना ये है कि वो शीघ्र ही पास होकर के हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही वो पास होकर के आता है तो हम लोग जो है उसमें जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उनको सैंक्शन करने की स्थिति में होंगे। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे इंटरेस्टेड निवेशक साथीगण हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए भी हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का
प्रयास कर रहे हैं, और साथ में एक हमें नोडल अधिकारी भी हमारे जो कौशवेंद्र गौतम साहब हैं, यहाँ पे हमारे टाउन प्लानर हैं, उनको बना दिया है। तो उनको या स्वयं जो है मुझे उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को आकर के अपनी बातें, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब तक ये हमारी महायोजना फाइनल होकर के आती है तब तक हम लोग प्रिपरेटरी वर्क कर रहे हैं और NOCs इत्यादि का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही महायोजना फाइनल होती है हम तत्काल जो है जो निवेश के उनके प्रस्ताव हैं उनको नियमानुसार प्रोसेस करेंगे शीघ्र से। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अपेक्षा है कि प्रदेश में जो है अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, उसके अंतर्गत हम लोग ये एक इनिशिएटिव लें। या फिर जो लोग सुझाव देना चाहते हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे? उनसे मेरी अपील ये है कि कृपया जो है ये डॉक्यूमेंट बहुत ही मेहनत के उपरांत बनाया गया है, करीब इसमें बनाने में इसमें 6 से 8 महीने का समय लगा, फील्ड स्टडीज इसमें डिटेल्ड हुई हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि ये करीब 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसमें स्लाइड बाई स्लाइड जाकर के एक बार अध्ययन कर लें और आप ही लोगों से पूछ करके बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई इस प्रकार की कमी छूट नहीं गई है। इसके बाद भी अगर लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को या हमारे सम्भ्रांत नागरिक को कोई इसमें सुझाव देना है तो सुझाव अपना निश्चिंत होकर के दें। और 15 तारीख तक हमने टाइम की विंडो भी खोली हुई है, इसमें हमने नोडल अधिकारी भी हमारे नीरज गुप्ता साहब हैं चीफ इंजीनियर, उनको लगाया है। तो उनको या सीधे जो है जो उपाध्यक्ष हैं मैं स्वयं मेरे पास भी आकर के अपने सुझाव जो है अंकित करा सकते हैं।